हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है, उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। अब हम लोग उसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अ मैन बायज 420 rupees शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी। कैलकुलेट, दो क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड द सेकेंड इज द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए, क्वेश्चन में बता दिया है कि कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 400, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू शेयर की दी हुई है 20 rupees, जो हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, 20% के डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें 12% का डिविडेंड दे रहे हैं, रेट ऑफ डिविडेंड है 12% है। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नंबर ऑफ शेयर्स इज 400, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹20। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू देखनी है, कितनी है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इसमें क्या दिया है? एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब आप ये कैलकुलेट करिए कि 20% डिस्काउंट है तो इसमें कितना रेट होगा आपका, मार्केट वैल्यू कितनी होगी वन शेयर की। 20 - 20 × 20/100 ₹16, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो गई ₹16, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया शेयर पे, अमाउंट ऑफ शेयर इज ₹20 × नंबर ऑफ शेयर्स, 400 शेयर्स लिए हुए हैं, तो ये आपका कितना हुआ कैलकुलेट होके, 8000, ठीक है। 8000 rupees के शेयर्स खरीदे। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि कितना, क्वेश्चन में दिया ना कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो नंबर वन अमाउंट इन्वेस्टेड क्या आएगा? अमाउंट इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? ₹16। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 400। इसको कैलकुलेट करेंगे, 16 × 4 = 64। तो हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो हमारा अमाउंट इन्वेस्टेड का ये हमें आंसर मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है कि कितना है, ठीक है, कितना है यहाँ पे आज कर रहा है। तो टोटल डिविडेंड कितना है, हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे टोटल डिविडेंड। ₹6400 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में रिटर्न रिसीव और 12% ऑन हिज मनी, तो 12/100 इसको मल्टीप्लाई करने पे आप 12 × 4 = 48, 4 × 12 = 72 + 6 = 76, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड उसको यहाँ पे 768 का मिला। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा हमारा? टोटल डिविडेंड अपॉन
अमाउंट इन्वेस्टेड जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहाँ पे ये हमारा आएगा टोटल डिविडेंड हमें मिल रहा है 768। हमारा अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना था हमने पहले ही निकाला था, ये 8000 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आया 9.6% रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपके दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में आता है पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।